क्या आपको मेरी तरह हर मील में सलाद खाना पसंद है या आप कोई ना कोई अलग वेरिएशन ट्राई करते रहते हैं वेजिटेबल्स के साथ, तो आज की रेसिपी आपके लिए है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिट रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10 मिनट में तैयार होने वाला ये बहुत ही आसान सा बट बहुत हेल्दी कैरेट और बीन्स का पोरियल। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक पैन में 2 टीस्पून तेल गरम कर लूँगी। जैसे ही तेल गरम होगा हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिला देंगे। सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे लगभग 1/4 टीस्पून राई के दाने। जब राई के दाने हल्का छटकने लग जाएंगे तब इसमें 1 चुटकी हम हींग की मिला देंगे। साथ ही में 1/2 टीस्पून उड़द दाल मिला देंगे और इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे जब तक कि उड़द दाल हल्की सुनहरी होना शुरू ना हो जाए। उड़द दाल को आप मिस मत कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब जब उड़द दाल थोड़ी सुनहरी होने लग चुकी है हम इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ता मिला देंगे। कड़ी पत्ता को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और साथ ही में हम इसमें मिलाएंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज फाइनली चॉप करके। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूसली चलाते हुए फ्राई करेंगे जब तक कि ये पारदर्शी ना हो जाए, मतलब थोड़े से ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। प्याज बहुत अच्छा फ्लेवर देता है हमारे पोरियल में। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो इस स्टेज पे आप इसमें 2 कलियां लहसुन की चॉप करके भी मिला सकते हैं। प्याज हमारे पारदर्शी हो चुके हैं, अब हम इसमें मिलाएंगे 1 बड़ी सी गाजर फाइनली चॉप करके। इसी के साथ साथ हम अब इसमें मिलाएंगे लगभग 14 से 15 फ्रेंच बीन्स को फाइनली चॉप करके। अब हम इसमें बाकी के मसाले मिला देंगे। सबसे पहले 1/4 टीस्पून हल्दी मिला देंगे। इसी के साथ साथ हम इसमें 1 टीस्पून जितना सांबर पाउडर मिला देंगे। सांबर पाउडर से ही इस पोरियल में टेस्ट आएगा। अब हम नमक स्वाद अनुसार मिला देंगे और इन्हें हम सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। बस बेसिक से मसाले पड़ते हैं, ना कोई स्पेशल मसाला ना कोई झंझट, बस 10 मिनट में ये पोरियल बन के तैयार हो जाएगा। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा और जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी तब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी मिला देंगे। पानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाद में हम इसे कुक करेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, हमें इन्हें तब तक कुक करना है जब तक ये परफेक्टली कुक हो जाए बट इसमें थोड़ा सा क्रंच एलिमेंट रहे। इसे हम कवर करके मीडियम लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगे वेजिटेबल्स को कुक होने में, ध्यान रहे ये ओवर कुक ना हो जाए। अब एक ग्राइंडर जार में हम लगभग 2 टेबलस्पून पतली नारियल की स्लाइसेस ले लेंगे। इन स्लाइसेस को हमें थोड़ा सा दरदरा सा पीसना है, इसका पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है। इसे हम इस तरह से इस टेक्सचर तक पीस लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। दूसरी तरफ 5 से 6 मिनट बीत चुके हैं, हमारे जो वेजिटेबल्स हैं उन्होंने अपना कलर और क्रंच दोनों बरकरार रखा है बट परफेक्टली कुक हो चुके हैं। अगर ये ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगे तो इसमें मज़ा नहीं आएगा, तो आप प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। इस स्टेज पे हम इसमें नारियल मिला देंगे। आप चाहें तो लगभग 3 टेबलस्पून ग्रेटेड नारियल भी मिला सकते हैं बट मुझे ये प्रोसेस इजी लगता है तो मैं इसी को फॉलो करती हूँ। नारियल को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। अगर आप इसे इमीडिएटली सर्व कर रहे हो तो बस इसे मिक्स करके आप फ्लेम से निकाल सकते हैं, पर क्योंकि मैं इसे ज़्यादा देर तक रख पाऊँ इसलिए मैं इसे 2 मिनट तक इसे पका दूंगी। इसे पकाने के बाद आप इसे गार्निश कीजिए लगभग 1 टेबलस्पून फाइनली धनिया से। इसे बहुत अच्छा कलर आएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। मिक्स कर लीजिए और फिर हम इसे फ्लेम से निकाल देंगे। साउथ इंडियन पोरियल जो होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं या फिर अपने रोज़मर्रा के लंच में भी इसे एक साइड डिश के जैसे परोस सकते हैं। बेस्ट ये लगता है सांबर राइस या रसम राइस के साथ, तो आप इसे गर्मा गर्म या फिर वॉर्म परोसिए और एंजॉय कीजिए। बहुत ही कलरफुल है, इसे आप एक सैलड के रूप में भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसे पोरियल का शौक है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने कई पोरियल की रेसिपी अपलोड कर रखी है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।